अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाला। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम पास्ता, उसको मैं धो के अच्छे से रख दी हूँ बॉईल होने के लिए। तो देखिए पास्ता हमारा उबल गया है, अब इसको हम ठंडे पानी से धुल लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें एक चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो चिपचिपाए ना, आपस में चिपके ना। इसे मिक्स करके रख देंगे। फिर हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, करीब 2 चम्मच। फिर उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन बारीक चॉप किया हुआ डाल देते हैं। उसके बाद इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज मीडियम साइज की डाल के उसको चला देंगे। उसके बाद उसमें हम अपना 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, उसे डाल के चला देंगे अच्छे से। उसके बाद तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और उसमें 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सब मिक्स करके 1 मीडियम साइज़ गाजर और 1 छोटा शिमला मिर्च और 1 थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल के सब मिक्स करेंगे। थोड़ा सा चिकन हमारे पास रखा था वो भी हमने उसमें डाल दिया है। सब डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद उसमें 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस और 2 चम्मच टमाटो केचप डाल के उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद उसमें हम अपना बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता हमने ऐड करके उसको अच्छे से चलाया। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी वो जो पास्ता उबाले थे उसमें से पानी बचा था, वही पास्ते का पानी हम रखे थे वो इधर ऐड कर दिया हमने। अब उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पास्ता हमारा बनके तैयार हो गया है, तो इसे अब हम सर्व करते हैं। तो देखिए पास्ता हमारा बनके तैयार हो गया है, इसे हमने सर्व कर दिया है। तो ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक ले अल्लाह हाफिज़।